हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं सूजी का वेज अप्पे बनाना बताऊंगी आप लोगों को, जो कि सुबह के नाश्ते में खाएं या फिर शाम के चाय के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही इजी है। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहे मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे मैंने इस तरीके से दो कटोरी रवा लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम पानी ऐड करेंगे, और गाइस याद रहे सूजी पानी बहुत सोखता है। मिक्स कर लेंगे। और पानी डाल लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी करके हम डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। अब इस स्टेज पे हम इसमें 3 बड़े चम्मच दही ऐड करेंगे, इससे काफी अच्छा टेस्ट आता है। 1/2 छोटा चम्मच हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, और चुटकी भर बेकिंग सोडा हम ऐड करेंगे। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आपके यहाँ कोई गेस्ट आ गया है तो, और आपके पास टाइम नहीं है तो आप इनकेस इसमें बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर दोनों चीज यूज कर सकते हैं, और आपके पास टाइम भी है तो आप इसे 2-3 घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए रख दीजिए, तब बनाइए, तो बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसे 15 मिनट के लिए सिर्फ रेस्ट होने के लिए रख देंगे ढक के। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और मैं सब्जियों को फ्राई करूंगी। तो सबसे पहले मैं राई डालूंगी तड़के के लिए, करी पत्ता ऐड करूंगी, इससे काफी अच्छा टेस्ट आता है। इसमें अनियन डालूंगी फाइनली चॉप किया हुआ, मिक्स कर लूंगी। सब्जियों को हम ज्यादा नहीं पकाएंगे, थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए बस इतना ही पकाना है। प्याज भून गया है, अब इसमें मैं फाइनली चॉप किया हुआ शिमला मिर्च ऐड कर दूंगी। अब इसमें हम हरी मिर्च ऐड करेंगे फाइनली चॉप किया हुआ। मिर्ची आप उतना ही ऐड करिए जितना आप खा सकते हैं तीखा। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे फाइनली चॉप किया हुआ, और जैसा कि मैंने बताया सब्जियों को ज्यादा पकाना नहीं है। लास्ट में हम नमक ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट हो गया है और हमारी सब्जियां पक गई हैं। हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन्हें ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। तो फ्रेंड्स, अब 15 मिनट हो गया है और आप लोग देख सकते हैं कि हमारा बैटर भी रेडी हो गया है, और इसमें हम सब्जियों को ऐड करेंगे। सब्जियां ठंडी हो गई हैं, ऐड कर देंगे। इतनी कलरफुल सब्जियां लग रही हैं। अब हम सब्जियों को मिक्स कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, और ध्यान रहे हम सब्जियों में पहले भी नमक ऐड कर चुके हैं, और जरूरत के अनुसार पानी ऐड करेंगे, मिक्स करते जाएंगे। अब हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए, फाइनली रेडी हो गया अप्पे बनाने के लिए। यहाँ पे हमारा अप्पे मेकर भी गरम हो चुका है। अब इसमें मैं ऑयल ग्रीस करूंगी, और इसमें ऑयल भी कम लगता है। अब स्पून की हेल्प से इसमें हम डालते जाएंगे। इसी तरीके से हम डाल देंगे। अब इसे हम पकने देंगे ढककर।
फ्रेंड्स देखिए, 3 से 4 मिनट के लिए मैंने लो फ्लेम पे इसे पकाया है और इसमें अब मैं ऑयल ग्रीस कर दूंगी, उसके बाद पलटूंगी। अब आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से पक रहा है। पक गए हैं, अभी ने हम बाहर निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे अप्पे रेडी है खाने के लिए। देखिए कितने अच्छे से पक गए हैं और देखिए कितने स्पंजी है। तोड़ के दिखा देती हूँ मैं, ये देखिए बहुत सॉफ्ट बने हैं। और तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।